मूवी के स्टार्ट में हम एक गार्ड को देखते हैं जो बहुत तेजी से भाग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो। भागते भागते वो एक स्टेशन पर पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने के डोर की ओर दौड़ता है, वैसे ही सारे दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं और अब वे उसके अंदर फंस जाता है। ये देखकर वह गार्ड एक दूसरे रूम में चला जाता है, जहां पर वे देखते हैं कि सारी अलमारियों के दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं और उनके अंदर मिरर्स लगे हुए हैं। ये सब देखकर वो गार्ड मिरर्स के पास जाकर उनसे माफी मांगता है और उन्हें साफ करने लगता है। तभी उस मिरर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिर जाता है और अब उस मिरर में बना गार्ड का रिफ्लेक्शन उस टुकड़े को उठाकर अपना गला काटने लगता है और दूसरी ओर उस गार्ड का गला भी ठीक उसी तरह अपने आप कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद स्टोरी स्विच हो जाती है और हम एक बैन नाम के सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को देखते हैं। वो अपनी बहन के पास रहता है, हालांकि वो शादीशुदा है मगर उसकी वाइफ उसके साथ नहीं है। अब वो अपने लिए एक जॉब ढूंढता है। उस समय वो एक स्टोर में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा 5-स्टार मॉल था जिसमें कुछ साल पहले आग लग जाने की वजह से वो पूरी तरह तबाह हो गया। अब बैन अपनी फैमिली के पास जाता है, जहां पर वो अपने बच्चों से मिलता है और उसी वक्त उसकी बीवी वहां पर आ जाती है जिसका नाम एमी है। वो बैन को वहां से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन बैन बहुत गुस्सा हो जाता है। शायद बैन के इसी व्यवहार की वजह से उनका रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अब उस नाइट बैन जॉब पर अपनी ड्यूटी के लिए जाता है क्योंकि उसकी नाइट शिफ्ट होती है। जब वो वहां पर चल रहा था तब उसे एक मिरर देखता है जिसके ऊपर एक हथेली बनी हुई है। उसे देखकर बैन उसे साफ करता है मगर उसके ऊपर और बहुत सारे हाथ के निशान बन जाते हैं और मिरर में वो देखता है कि पीछे का डोर खुल जाता है, मगर जब वो पीछे देखता है तो वो डोर बंद होता है। ये सब अजीब घटनाएं देखकर बैन सोचता है कि मैं यहाँ पर नया हूँ, इसलिए हो सकता है मुझे इल्यूशंस हो रहे हैं। लेकिन जब नेक्स्ट नाइट उसे फिर से उसी जगह पर वो हाथ देखता है तो बैन ठीक उसी निशान के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिससे वो मिरर चटक जाता है और बैन के हाथ में चोट लग जाती है। और उसी दौरान उस मिरर में उसे कुछ लोग दिखते हैं जो आग से जल रहे हैं, लेकिन अचानक से वो पाता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सोचता है कि फिर से उसे इल्यूशंस हुआ है, हालांकि उसके हाथ में चोट आई थी। उसी वक्त उसे वहाँ पर पड़ा हुआ एक पर्स मिलता है जो कि पिछले सिक्योरिटी गार्ड गैरी का होता है, जिसमें मिले एक कागज पर ऐसे कर लिखा हुआ है। उसी दौरान उसे कुछ अजीब तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उनका पीछा करते हुए एक रूम तक पहुँचता है जिसमें उसे वैसे ही मिरर लगे हुए मिलते हैं और अचानक उसे मिरर में एक आधी जली हुई लेडी दिखती है। ये सब देखकर बैन समझ जाता है कि ये चीजें मुझे केवल मिरर में ही दिख रही हैं, यानी कि ये असल जिंदगी में नहीं हो सकती हैं। अब जो अजीब इंसिडेंट बैन के साथ होते हैं, वही सब कुछ उनकी फैमिली के साथ भी होने लगता है। बैन का सन माइकल को उसे कांच में ये सब देखता है, जिसकी वजह से वह चिल्लाने लगता है। तभी वहाँ पर एमी आती है और उसे शांत कर सुला देती है। अगले दिन बैन को एक पार्सल मिलता है जो उसे गैरी के नाम से भेजा गया है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें उसी बिल्डिंग में लगी आग के बारे में बताने वाले न्यूज़पेपर्स के कट होते हैं। ये देखकर बैन उस स्टोर के सुपरवाइजर लॉरेंजो से गैरी के बारे में पूछता है। तब वह बताता है कि पता नहीं वो किसी तरह एक रात रहस्यमय तरीके से मारा गया था। ये सुनकर बैन एकदम चौंक जाता है और वो अपनी वाइफ के पास जाता है जो कि एक डॉक्टर है। वो उससे गैरी की डेड बॉडी बताने के लिए कहता है जो उसी हॉस्पिटल में होती है। एमी ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बैन की काफी रिक्वेस्ट के बाद वो उसे बॉडी दिखाती है और उसी बॉडी का सामने ग्लास में रिफ्लेक्शन देख बैन काफी डर जाता है और उसकी वाइफ उसे शांत करती है। दूसरी ओर घर पर बहन की बहन एंजेला नहाने से पहले अपने आप को मिरर में देख रही है और अब वह वहाँ से नहाने चली जाती है, मगर उसका रिफ्लेक्शन अभी भी उस मिरर में रुका हुआ है। जब वो टब में नहा रही थी तो मिरर में उसका रिफ्लेक्शन अपने मुंह को फाड़ने लगता है और उसी तरह रियल में एंजेला का मुंह टूट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। जब बैन ये सब आकर देखता है तो वह बहुत दुखी होता है और उसे उन मिरर्स पर बहुत गुस्सा आता है। वह तुरंत उस स्टोर में जाकर वहाँ पर लगे हुए दर्पण को शूट करता है, लेकिन वह देखता है कि उनके ऊपर गोली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वह तुरंत अपने आप को पहले जैसा ठीक कर लेते हैं। ये सब देखकर बैन उस मिरर के सामने बैठकर रोने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो। तब अचानक उस मिरर में दरार पड़ने लगती है और उसमें ऐसे कर वर्ड बन जाता है जो कि पहले बैन को गैरी के वॉलेट में मिला था और शायद इसी वजह से गैरी भी मारा गया था। अब बैन उन सभी पेपर्स में एसगर नाम के आदमी को ढूंढने लगता है। उस दौरान उससे टेरेंस बेरी नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है जिसने उस स्टोर में आग लगाई थी और इस समय वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट है। टेरेंस से मिलने के लिए बैन हॉस्पिटल में जाता है, जहां पर उसे डॉक्टर एक वीडियो बताता है जिसमें टेरेंस खुद एक्सेप्ट करता है कि उसने ही स्टोर में आग लगाई थी, क्योंकि वो भी एसगर नाम के शख्स को ढूंढ रहा था जिसकी वजह से उस मिरर ने उसकी भी फैमिली को मार दिया था। क्योंकि वो उसे ढूंढने में कामयाब नहीं हुआ, इसलिए उसने स्टोर में आग लगा दी। ये सुनकर बैन समझ जाता है कि अगर उसने भी एसगर नाम के आदमी को नहीं ढूंढा तो उसकी पूरी फैमिली मर जाएगी और वो वहाँ से निकलकर सीधा अपने घर जाता है और एमी को पूरी बात बताता है। अब वह अपने घर के सारे मिरर को वहाँ से हटाकर तोड़ देता है, लेकिन एमी
बैन की इस पागलपन भरी बातों में अब भी विश्वास नहीं करती है। अब बैन उसी स्टोर के बेसमेंट में जाकर वहाँ पर छानबीन करता है ताकि हो सकता है कि उसे कोई ऐसी चीज मिले जो उसकी हेल्प कर दे। तब उसे दीवार पर एक हॉस्पिटल का नाम दिखता है जो कि स्टोर से पहले उस बिल्डिंग में हुआ करता था। वो एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल हुआ करता था। तभी बैन को पास की दीवार से पानी लीकेज होते हुए दिखता है और वो उस कच्ची दीवार को तोड़ देता है, जहाँ पर उसे एक हिडन रूम मिलता है जिसमें मरीजों को टॉर्चर किया जाता था। इसके बाद बैन अपने फ्रेंड की मदद से उस लुप्त हो गए हॉस्पिटल की हिस्ट्री निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि वहाँ पर एना एसकर नाम की एक पेटेंट हुआ करती थी, जिसे स्किज़ोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी थी जिसकी वजह से इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो जाता है। बैन का फ्रेंड बताता है कि एना के हॉस्पिटल में एडमिट होने के कुछ ही दिन बाद सारे मरीज एक दूसरे को मारने लगे और उस घटना में एना के साथ साथ उसके डॉक्टर भी मारे गए और जिसके बाद उस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया और वहाँ पर उस स्टोर को लगाया गया था। इसके बाद बैन अपने घर पर आता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जिस दिन हॉस्पिटल के सारे मरीज मारे गए थे उसके दो दिन पहले ही एना हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। एक कार्ड पर उसे एना का एड्रेस भी मिलता है जिसे देखकर बैन उससे मिलने के बारे में सोचता है। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि बैन का बेटा माइकल मिरर के सामने बैठा हुआ अपनी ही रिफ्लेक्शन से बातें कर रहा है। तभी वहां पर एमी आ जाती है जो उसे अपने पास बुलाती है, लेकिन तभी वह देखते हैं कि माइकल के उठ जाने के बाद भी उसका रिफ्लेक्शन वहीं पर बैठा हुआ है। उसे देखकर एमी तुरंत बैन को कॉल कर उसे सब कुछ बताती है और बैन घर पर आकर सारे मिरर्स को पेंट कर देता है और अब एना का एड्रेस की ओर निकल जाता है, जहाँ पर जाकर उसे एना की फैमिली से पता चलता है कि एना के घर आने के बाद पूरे घर में मिरर की वजह से अजीब तरह की घटनाएं होने लगी और इसलिए उसे सेंट ऑर्गेनस्टीन मोनेस्ट्री भेज दिया गया क्योंकि वहाँ पर एक भी मिरर नहीं था। बैन भी उस मोनेस्ट्री जाता है और वह एना से मिलता है, जहाँ पर वह एना को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, नहीं तो मेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी। उस समय एना उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वह बताती है कि जब उस हॉस्पिटल में मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था तब मेरे अंदर का डेविल उन मिरर्स में कैद हो गया और इसलिए अगर मैं वहाँ पर गई तो वो फिर से मेरी बॉडी में आ जाएगा। तब बैन उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि मेरी फैमिली को मैं किसी भी हालत में मरने नहीं दूंगा और वह उसे स्टोर में ले जाता है। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि एमी के दरवाजे के हैंडल में माइकल का रिफ्लेक्शन दिखता है और वह उसके दरवाजे को खोल देता है, मगर एमी देखती है कि माइकल वहाँ पर नहीं है और वह तुरंत बैन को कॉल करती है। उस पूरे घर में पानी भर गया है और मिरर के पैंट भी हट चुके हैं। तब एमी बाथरूम में जाती है जहाँ पर टब में एकदम से उसे माइकल का रिफ्लेक्शन दिखता है, मगर असल में वह वहाँ पर मौजूद नहीं होता है। तभी अचानक कोई उसे उस बाथटब में डुबा कर मार देने की कोशिश करता है, लेकिन एमी उसका पानी बाहर निकाल देती है। वही दूसरी ओर एमी की बेटी को मिरर में अपनी माँ का रिफ्लेक्शन दिखता है जो कि एक कैंची से उसे मारने की कोशिश करती है, मगर तब तक वहाँ पर एमी आ जाती है और वह उसे बचा लेती है। इसके बाद एमी माइकल को ढूंढने लगती है जो कि उसे एक मिरर से पैंट हटाते हुए मिलता है, लेकिन अचानक वह वहां से गायब हो जाता है। तब फिर से उसे माइकल का रिफ्लेक्शन पानी में दिखता है। जब एमी उसके पास जाती है तो वो अंदर से उसे चाकू मार देता है। दूसरी ओर बैन एना को उसी टॉर्चर चेयर पर बांधकर वहां से बाहर निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि वो शैतानी शक्ति उस मिरर से बाहर आने लगती है और दूसरी ओर एमी को माइकल फर्श पर बैठा हुआ मिलता है जो पानी में बनी अपनी ही छवि के साथ खेल रहा है। तभी अचानक उससे कोई अंदर की ओर खींच लेता है, मगर वहाँ पर बहुत कम पानी होता है, फिर भी वह पूरा डूब जाता है। वो शैतान पूरी तरह से एना में घुसने वाला होता है। तभी वहाँ के सारे मिरर एकदम से टूट जाते हैं और हम देखते हैं कि माइकल पानी से बाहर आ चुका है। दूसरी ओर शैतान के घुसने की वजह से एना बहुत भयानक रूप ले लेती है और वह बैन पर अटैक कर देती है। बैन उस पर गोलियां चलाता है मगर एना को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी बैन उसे पकड़कर एक गैस की पाइप पर पटकता है जिससे वहाँ पर लीकेज हो जाता है और बैन की गोली चलाने से एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है जिससे वह बिल्डिंग टूट जाती है और एना के साथ साथ बैन भी उसके नीचे दब जाता है। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग हम पाते हैं कि बैन अभी जिंदा है और वो उस बिल्डिंग से बाहर निकलता है। तब वह देखता है कि वहाँ पर पुलिस और एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। बैन देखता है कि लोरेंजो भी वहाँ पर खड़ा है, लेकिन उसके नेम टैग पर उसका नाम उल्टा लिखा हुआ है, जिसे देखकर बैन समझ जाता है कि वो भी मर चुका है और इस मिरर की दुनिया में अपने आप को फंसा हुआ पाता है। इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।